प्रेम संबंधा दी बलि चढ़ गए दो मासूम बच्चे। अपने ही बच्चों का महिला ने किया कतल। बच्चा के पिता ने अपनी ही पत्नी ते लगाए इल्जाम। तो दस दिए कि एक महिला के प्रेम संबंधा के चक्कर दे विच दो बच्चों का कतल कर दिता गया। इस संबंधी महिला के पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने ही उन्होंने बच्चों का कतल किया। अपने प्रेमी के नाल विआह करवाना चाहती सी ते उसके नाल ही इसने मिलके बच्चों नूं मौत दे घाट उतार दिता। मिली जानकारी अनुसार महिला ने एक दिन पहला अपने 10 साल और 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मुकदमा पुलिस थाने दे विच दर्ज करवाया सी। पुलिस ने शक के आधार पर महिला के नाल पुछगिछ की तो दोनों बच्चों के कतल होने की खबर सामने आती है। दसाया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले दे विच महिला दे जान पहचान वाले एक नौजवान तो पुछगिछ करन लई जदों उसनू फड़न दे लई पहुंचे तां उह छत तो छाल मार दिंदा है, जिस तों बाद उसनू हस्पताल भर्ती करवाया जांदा है। पुलिस दी पुछगिछ विच उस शख्स ने दस्या कि उसदे वल्लों ही दोनों बच्चों का गला घुट के कतल की वारदात नू अंजाम दिता गया। मिली जानकारी अनुसार रूबी ने 22 फरवरी नू पुलिस थाने दे विच दस्या कि उसके पति नाल उसका 7 साल पहला तलाक हो चुकिया है। उत्थे उसने अपने 10 साल के बेटे वंश और 7 साल के यश के नाल उह रहिंदी सी ते 21 फरवरी नू उह दोनों बच्चों नू स्कूल छड़ के अपने काम ते चली गई सी ते शाम नू जद घर आउंदी है तो उसनू पता लगता है कि उसके दोनों बच्चे स्कूल तो वापस घर ही नहीं आए। तो जब स्कूल इस संबंधी जानकारी ली जाती है तो पता लगता है कि दोनों बच्चे स्कूल तो घर जा चुके हैं। उसने शक जताया कि उसके दोनों बच्चों की किडनैपिंग हो चुकी है, जिसनों लैके 22 फरवरी में वह पुलिस थाने के मुकदमा दर्ज करवाती है। दसाया जा रहा है कि पुलिस ने शक के आधार पर महिला नाल पुछगिछ की कि पति के नाल उसका तलाक हो चुका है ते नितिन नाम के शख्स नाल उसके प्रेम संबंध सी। नितिन बार बार उसके बच्चों को यह कहता सी कि वह उन्होंने जान तो मार देगा। तो मासूम बच्चों के पिता राहुल ने दसिया कि महिला रूबी ने अपने आशिक नितिन के नाल मिलकर बच्चों का कतल कर दिता। राहुल का यह भी आरोप है कि यह दोनों एक दूसरे के नाल विआह करवाना चाहते सी, इसलिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिता, जिस तों बाद वो इन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल कहाँ से आए हो? सोनीपत से। बागपत कोतवाली में आए हो, क्या मामला है? लड़कों का मर्डर कर दिया मेरे बच्चों का, दो का। किसने? उसकी मम्मी ने, उसके आशिक ने। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? 11 साल है, 7 साल। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? वंश, बड़े का वंश, छोटे का वीर। क्यों हत्या करी उनकी? आपस में शादी करने के लिए। अच्छा, हत्या कहाँ करी थी? निवाड़े वाले रास्ते पे। यहाँ ला के हत्या करी? हाँ, सोनीपत से उठा के स्कूल में पढ़ते हुए। हाँ, और यूपी में हत्या करी ला के। अच्छा, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए? हाँ। दोनों की डेड बॉडी बरामद कर ली? उसमें किसने, दोनों ने हत्या करी थी वो पुलिस ने पकड़े? पुलिस तो दोनों का नाम ले रखे थे। पकड़ रखे हैं दोनों? पकड़ रखे हैं। उन्होंने बताई थी लाश रहा बैठना चाहूँगा रहा तो उनका कड़ा रखना। शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी 12 साल पहले, 2012 में। ये हमें कल यानी 22 तारीख को सूचना मिली थी। रूबी नाम की लेडी है, ये पुलिस स्टेशन सिविल लाइन थाने में आई थी और उन्होंने कहा था कि यानी उनसे पिछले दिन 21 तारीख को मेरे बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए घर पे। इस बात को लेकर ये एप्लीकेशन दी थी थाने में, जिस पर हमने उसी टाइम मुकदमा दर्ज कर दिया था और फिर तलाश की थी। सर क्या शक हुआ पुलिस को, कैसे खुलासा मामले का? जो रूबी नाम की लेडी है बच्चों की माँ, उससे पूछताछ भी की थी और ये एक्चुअली डिवोर्सी औरत है, पिछले 5 साल से इसका तलाक हो रखा है अपने हस्बैंड से। तो हमने उसके लोग भी बात की थी उनसे जाकर, इसके हस्बैंड से और इसकी सास से। तो उन्होंने भी बताया था कि हमारे लड़के से तलाक हो सका है और ये लेडी एक और नितिन नाम का लड़का है, कोई यूपी का रहने वाला, उसके साथ ये रहने लगी थी। जी सर। तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे को भी शक है, वो हमारे को भी कई बार धमकाता था जो नितिन है वही, ये बच्चे तुम्हारे हैं, ये हमारे नहीं हैं, इनको ले जाओ। जी सर। तो इस बिना पे फिर हमने इस तफ्तीश में इस लाइन पर काम किया।
सर क्या खुलासा हुआ फिर, क्या बता सर नितिन ने आरोपी ने? हाँ, फिर हमने नितिन के रोगी से दोबारा पूछा नितिन के बारे में जी। तो उसने बताया है कबीरपुर में कहीं किराए पर रहता है, और फिर हम वहाँ अपने सीआई स्टाफ और जो लोकल पुलिस है सिविल लाइन की सभी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ ये बहुत सारे छोटे कमरे बनाए हुए हैं किराए पर जी सर। तो ये वहीं किसी पर रह रहा था, तो इसको मन में अपने पहले ही शंका थी, तो ये एकदम से चारों तरफ से गिरा देंगे, छत से, एक छोटी छत थी उस पर इसने कूदना चाहा जी सर। लेकिन फिर ये वो इसका बैलेंस खराब हो गया, गिर गया, तो गिर गया तो इसके चोट लगी घुटने में, फिर हमने इसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाकर सर। तफ्तीश करेंगे सर। कहाँ से सब बरामद हुए बच्चों के सर? बच्चों के बरामद हुए यूपी में, ये अपना गौरीपुर है, वहाँ इसने ये बताया कि अपना वहाँ इसने बच्चों का गला घोट के मृत्यु की है। कितनी उम्र थी सर दोनों बच्चों की, क्या कहना? एक बच्चे की 10 साल की उम्र, 1-7 साल की उम्र। सर इसके अलावा जो रूबी है सर उसकी भी संलिप्तता है इसमें? नहीं, अब तक कोई भी रूबी की ऐसी संलिप्तता वाली बात हमारे सामने नहीं आई है।